जमुला के रहने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी है कोटर का बुद्धुल में है और हमारे सरपंच साहब ने हमको उधर टूरस में गए थे और उधर हमने देखा है बहुत पानी लोग उन्हें छतों का पानी जमा करके और अपने सब्ज़ी वगैरह और पौधे वगैरह लगाते थे वो हम मैं वहाँ देख के हमने भी आके इधर एक खड्डा तैयार किया पक्का खड्डा इसमें छत का पानी जाता है और हम इसको डंगर को बैंत को और मुर्गे वगैरह और पौधे वगैरह और सब्ज़ी वगैरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं और उधर हमने देखा बहुत तो अच्छा प्रोग्राम है वो ये सब लोग करें ये ऐसा काम तो बहुत तो अच्छा हम लोग पानी जमा करके हम इसको हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त मैं खा जमोला लोअर पंचायत में खड़ा हूं और यहां पे एक अलग चीज़ देखने को हमें मिली यहां पर एक टैंक को बनाया गया है मैं आपको कैमरा मैन से कहूँगा आपको दृश्य दिखाएगा ये देखिए ये टैंक यहां पे बनाया गया है और यह इस टैंक की कीमत लगभग एक लाख रुपया कास्ट है और एक लाख रुपया लगा के ये इस तरह का टैंक बनाया गया और इस टैंक में खासकर जो बारिश का पानी है उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है और उसके बाद इस पानी का इस्तेमाल खेती और पशुओं के लिए किया जाता है अगर इस पानी को फिल्टर किया जाए तो ये पीने के काम भी आ सकता है ये मेहनत जो है यहाँ के जो सरपंच आकिब उनकी है उनसे जानते हैं कि उनके माइंड में ये चीज़ कैसे आई और उन्होंने कैसे गाँव में शुरू किया आकिब जी स्वागत है आपका हमारे साथ मुझे ये बताया कि ये जो यहाँ पर वो ये प्रोजेक्ट आपने बनाया ये आपके माइंड में कैसे आया क्योंकि ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था शुक्रिया जनाब जैसे कि आपने ये देखा है ये स्टार्टिंग में जब हम मैं इस फील्ड में आया था तो हमने ये छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू किया तो हमने अपने लोगों को हम डिपार्टमेंट से मिले और जो डिपार्टमेंट ने हमें ये कंसेप्ट दिया उन्होंने हमें टूर करवाए बाहर के बाहर के स्टेटों में जैसे उत्तराखंड में हम गए तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी तो वो एरिया भी जो उत्तराखंड का एरिया उसकी टोपोग्राफी भी जम्मू कश्मीर की तरह ही है तो आ, हम वहाँ जाके ये चीज़ देखी कि उन लोगों ने कैसे बारिश का पानी जो छतों का पानी वो स्टोर करके अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं अपना जो एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं तो वही चीज़ हमने वहाँ से देख के यहाँ पे लाई जहाँ पे हमने बहुत सारी जगहों पे किया हुआ है ये इसमें लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया पानी की परेशानी है तो जो ये पानी स्टोर करते हैं उसमें इन्होंने अपना आपने देखा होगा पीछे के एग्रीकल्चर में ये पानी यूज़ कर रहे हैं सब्ज़ियाँ वगैरह उगा रहे हैं मवेशियों के लिए पानी यही यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी इनके इस पर काफ़ी इनकम कमा रहे हैं जो कि ये पानी स्टोर करके अपने सब्जी और, और फ्रूट का ये जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी इनको बेनिफिट हो रहा है बिल्कुल तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं इनसे बेनिफिट होता है और अक्सर जो बाकी जो लोग हैं या पंच सरपंच जो बाकी हैं उनको भी इस तरफ देखना चाहिए कि किस तरह से एक अकीब सरपंच जो ये जमोला के हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है बना रहे हैं और पानी जो है वो स्टोर कर रहे हैं और इस पानी से कई तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सब्जी उगाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है माल मवेशियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है इसके अलावा इस पानी को और भी यूज किया जा सकता है क्योंकि पानी ही कहते हैं ना कि जल ही जीवन है तो जल के बिना कुछ नहीं तो इस जल को इस तरह से इस्तेमाल भी किया जा सकता है अक्षय के साथ में अमित शर्मा जमोला लोअर पंचायत से